हमारी बॉडी में ब्रेन के बाद जो सेकेंड मोस्ट पावरफुल ऑर्गन है वो है हमारी आंखें। पर हमारे डेली लाइफस्टाइल और वर्क फ्रॉम होम की वजह से हमारी आंखें वन ऑफ द वीकेस्ट ऑर्गन बनती जा रही है। अगर हम इनका ध्यान अभी से ही नहीं रखेंगे तो फिर आने वाले सालों में हमारी आंखों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी। हम जब भी अपने फोन का बहुत प्यार से ध्यान रखते हैं तो हमारा फोन भी हमारा साथ सालों साल निभाता है। तो फिर जो आंखें हमारा साथ हमारी उम्र भर के लिए देने वाली है तो उनकी ध्यान रखने में हम कोई कसर क्यों छोड़े। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपसे 5 ऐसे डेली हैबिट शेयर करने वाली हूँ जिससे आपकी आंखों की सारी बेसिक प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ भाविका और आप सभी का अपने इस चैनल पे स्वागत है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से। फर्स्ट स्टेप इज वेयर योर सनग्लासेस। हाँ, हम जब भी अक्सर बाहर निकलते हैं धूप में तब हम अपने फेस को कवर कर लेते हैं, हम अपनी बॉडी को कवर कर लेते हैं, पर हमारी आंखों का क्या? हमारी आंखों को भी इक्वल यूवी रेस प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। हाँ, प्लीज सो मेक श्योर कि जब भी आप बाहर निकलोगे तब आप एक अच्छी क्वालिटी का सनग्लास पहनोगे जिससे आपकी आंखों को यूवी रेस प्रोटेक्शन मिले और इससे आने वाले सालों में कैटराइट जैसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। सो चलिए जानते हैं सेकेंड आई केयर हैबिट, वो है एक्सरसाइज। हाँ, हम अपनी बॉडी की हेल्थ मेंटेन करने के लिए फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं, हम अपनी मेंटल हेल्थ मेंटेन करने के लिए मेंटल एक्सरसाइजेस करते हैं, पर हमारी आंखों का क्या? हमारी आंखों को भी एक्सरसाइज की जरूरत होती है। तो फिर मैं आपसे ऐसे एक्सरसाइजेस शेयर करूंगी जो आप कभी भी और कहीं पे भी कर सकते हो, और ये एक्सरसाइज इतने ज्यादा पावरफुल है कि आपको इसके फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस से ही आंखों में जो छोटे छोटे वेसल्स होते हैं, छोटी छोटी जो नर्व्स होती है, उसमें से स्ट्रेस और स्ट्रेन रिलीव होता हुआ फील होगा और आपकी आईसाइट भी इम्प्रूव होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में हमें अपनी आंखों को ऊपर के डायरेक्शन में देखना है और फिर उन्हें नीचे के डायरेक्शन में देखना है। ये हमें रिपीट करना है फॉर मिनिमम 30 सेकेंड्स। इसके बाद हमें अपनी आंखों को राइट टू लेफ्ट देखना है, ये भी हमें मिनिमम 30 सेकेंड्स करना है। इसके बाद हमें अपनी आंखों को रोटेट करना है, इन्हें गोल गोल डायरेक्शन में घुमाना है। आप पहले क्लॉकवाइज करो और फिर यही सेम प्रोसेस को एंटी क्लॉकवाइज अपनी आंखों को रोटेट करना। 30 सेकेंड्स वाले सभी एक्सरसाइजेस में आपको स्टार्टिंग में इनकी स्पीड स्लो रखनी है और फिर आप धीरे धीरे इनकी स्पीड बढ़ा सकते हो। इसके बाद आपको आपकी जो आईब्रोज है उसे लिफ्ट करना है और अपनी आईज को बहुत एक्सपांड करना है जितना आपको पॉसिबल है, और फिर इसे 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद धीरे से अपनी आंखों को बंद कर देना है, और फिर हमें अपनी आंखों को जितना हो सके उतना अंदर की तरफ कसना है और फिर उसे रिलीज करना है। ये सभी प्रोसेस आपको स्टार्टिंग में बहुत स्लो करना है और फिर आप धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ा सकते हो। चलिए जानते हैं थर्ड आई केयर हैबिट, वो है ब्लू ब्लॉक लेंसेस। 21st सेंचुरी में हमारी आंखों को सबसे ज्यादा डैमेज ब्लू स्क्रीन एक्सपोजर की वजह से हुआ है। ब्लू स्क्रीन एक्सपोजर मतलब मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी एंड एक्सेट्रा। तो फिर ऐसे टाइम पे हमें अपनी आंखों को ब्लू स्क्रीन से प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। ब्लू स्क्रीन एक्सपोजर की वजह से हमें आंखों पे स्ट्रेन, आंखों का ड्राइनेस, आंखों में बहुत ज्यादा खुजली होना, आंखों का इरिटेट होना और आंखों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो ऐसे टाइम पे मेक श्योर करिए कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी किसी भी ब्लू स्क्रीन पे बैठोगे, कंप्यूटर या लैपटॉप, तो फिर आप ब्लू ब्लॉक लेंसेस का जरूर इस्तेमाल करना। मैं खुद पर्सनली लेंस काट के ब्लू ब्लॉक लेंस का यूज करती हूँ, मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दी है। सो आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो और वहां से ऑर्डर भी कर सकते हो। आप जब भी बहुत देर कंप्यूटर या लैपटॉप पे बैठते हो तब कोशिश करो कि हर 20 मिनट्स में आप अपनी आंखें उस लैपटॉप की स्क्रीन से हटा के कहीं ऐसी जगह फोकस करो जहां तक आप बहुत दूर तक जूम कर पाओ। हाँ, इससे आपकी आंखों को आगे चल के जो दूर की चीजें देखने में तकलीफ होने वाली प्रॉब्लम राइज होगी वो नहीं होगा और आपको चश्मा भी नहीं लगेगा। सो चलिए चलते हैं फोर्थ आई केयर हैबिट की ओर, जो है एलोवेरा जेल।
हाँ, एलोवेरा जेल बहुत ज्यादा हमारे स्किन केयर यूज में आता है, पर वो हमारे आईज के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो फिर जब भी आपको आंखों में बहुत ज्यादा ड्राइनेस, आंखों में स्ट्रेन, आंखों में टायर्डनेस और अगर आपको आंखों में जलन फील हो रही हो, तो ऐसे टाइम पे आप एलोवेरा जेल लीजिए। आपके आंखों की जो आउटर साइड है उसे सर्कुलर मोशन में लगा दीजिए और मेक श्योर करना कि एलोवेरा जेल आपके आंखों के अंदर बिल्कुल नहीं जाए। ठंडे पानी में कॉटन को डिप करके उसके ऊपर रख के उसे 5 से 10 मिनट रख सकते हो। इससे आपकी आंखें फिर से फ्रेश फील होगी और आपके आंखों में जो हीट होती है वो सारी निकल जाएगी। इससे बहुत सारे आई प्रॉब्लम्स खुद ही कम हो जाएंगे। तो फिफ्थ आई केयर टिप है ग्रीनरी। हमारे सिटीज में हर जगह कंस्ट्रक्शन होने की वजह से हमें बहुत कम पेड़ दिखाई देते हैं, पर ये जो क्रीम कलर होता है ये हमारे आंखों का हेल्थ का कलर है। इसलिए मेक श्योर करो कि आप एवरीडे कोई पार्क या किसी भी नेचर स्पॉट पे 2 मिनट रुको और मेक श्योर करो कि वहां पर जो ग्रीन ट्रीज, उनके जो प्यारे से ग्रीन लीव्स होते हैं उनकी तरफ देखो। उससे आपकी आंखों को बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा, आपकी आंखें स्ट्रेस फ्री फील करेगी। सो लास्ट में मैं और 2 टिप्स शेयर करना चाहूंगी। आज हर जगह लाइट्स और ब्लू स्क्रीन है, इसकी वजह से हमारा आंखों का ब्लिंक करने का परसेंटेज बहुत ज्यादा कम हो गया है, जिसकी वजह से आंखों में ड्राइनेस और स्पेक्स लगने की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। सो मेक श्योर करना कि आप अपनी आंखों को बहुत बार ब्लिंक करो, क्योंकि हमारी आंखें कंटिन्यू लाइट एब्जॉर्ब कर रही होती है, इसकी वजह से उन पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है। पर जब आप उन्हें ऐसे ब्लिंक करते हो उसकी वजह से उन्हें एक छोटा सा ब्रेक मिल जाता है, जिसकी वजह से वो और रिफ्रेश होके बहुत अच्छे से काम करती है। और सेकेंड पॉइंट ये है, अगर हमारी आंखों में कुछ चला जाता है तो हमें उसे बहुत जोर जोर से रब करने की आदत होती है, तो इसकी वजह से हमारे आंखों के नीचे जो छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज होती है, छोटी जो नसें होती है, वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है और हम इनडायरेक्टली अपनी आंखों को बहुत ज्यादा डैमेज कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको थोड़ा भी इचीनेस हो रहा होगा, आप चाहो तो उसे वाटर से वॉश कर दो या हल्के से हाथों से उसे शांत कर दो। बस जब भी आप अपने आंखों को हाथ लगाओगे, मेक श्योर कि आपके हाथ क्लीन है, क्योंकि हम जब भी आंखों के पास हाथ रखते हैं तो ऐसा हो सकता है जो हाथों पे जर्म्स है वो जर्म्स हमारे आंखों में ट्रांसफर हो जाए, जिसकी वजह से आंखों में इंफेक्शन हो सकता है। सो ये थी आज के 5 ऐसे आई हेल्थ केयर टिप्स जिससे आपकी आंखों में बहुत ज्यादा सुधार आएगा। आपकी आंखों में जो बेसिक प्रॉब्लम्स होते थे, जैसे कि आंखों का ड्राइनेस, आंखों में स्ट्रेन होना, आंखों में दर्द होना, रेडनेस, ये सभी क्योर हो जाएंगे। तो फिर चलिए और एक बार रिवाइज करते हैं वो 5 टिप्स, ताकि आपको डेली बेसिस पे ये याद रहे और आपकी लाइफ में आप इसे जरूर इम्प्लीमेंट करना। इससे आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे अपनी आंखों के लिए। सो चलिए रिवाइज करते हैं। 1st टिप इज यूज ऑफ सनग्लासेस, 2nd टिप इज आई एक्सरसाइज, 3rd टिप इज यूज ऑफ ब्लू ब्लॉक लेंसेस, एंड द 4th टिप इज यूज ऑफ एलोवेरा जेल, एंड द 5th टिप इज वॉच ग्रीनरी। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो और अच्छा लगा हो, और अगर आपको अच्छा लगा प्लीज इसे एक लाइक जरूर करना, शेयर करना, और अगर आप और भी ऐसी चीजें जानना चाहते हो तो फिर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। बाय एंड आई लव यू ऑल।